नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो चलते हैं अपनी पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर भर्ती करेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने भर्ती के लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय और राजकीय महाविद्यालयों में समूह गा के तहत शिक्षणेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भी भर्ती के लिए निदेशालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेज दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर और समूह गा के पदों पर भर्ती के लिए UPPSC और UPSSSC की ओर से जल्द ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। परिषदीय विद्यालयों में अब लगातार 30 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहने वाले और किसी भी परीक्षा में 35% से कम नंबर लाने वाले छात्रों को आउट ऑफ स्कूल की श्रेणी में रखा जाएगा। शासन ने आउट ऑफ स्कूल की परिभाषा में बदलाव करते हुए स्कूलों को बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार 6 से 14 साल का कोई भी बालक नामांकन में एक साल में लगातार 30 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसे आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। अगर वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम नंबर मिले हैं तो ऐसे बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्य परिषद की बैठक में लखनऊ, रायबरेली और सीतापुर में खुले 9 नए स्ववित्त पोषित कॉलेजों को मान्यता दी गई। नई मान्यता पाने वाले कॉलेजों में 5 विधि महाविद्यालय और 4 सामान्य पाठ्यक्रम वाले कॉलेज हैं। विधि महाविद्यालयों के तौर पर मंजूरी पाने वाले कॉलेजों में टेक्नो कॉलेज ऑफ लॉ लखनऊ में विधि 3 वर्षीय पाठ्यक्रम को मंजूरी दी गई है। वहीं IMRT लॉ कॉलेज लखनऊ को विधि 5 वर्षीय कोर्स, चरक कॉलेज ऑफ लॉ लखनऊ को विधि 3 वर्षीय पाठ्यक्रम और विधि 5 वर्षीय कोर्स की मंजूरी दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इन दिनों पुलिस अभियान चलाकर 18 साल से कम उम्र के वाहन चालकों का चालान काट रही है। अभियान के पहले दिन राजधानी लखनऊ में पुलिस ने 112 वाहनों के चालान काटे, साथ ही 912 अभिभावकों को चेतावनी भी दी। कुछ अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों का लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है, लिहाजा पुलिस चालान नहीं काट सकती है, लेकिन पुलिस नियमों के तहत ही अपना काम कर रही है। नियम कहता है कि लर्निंग लाइसेंस सिर्फ वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेने के लिए बनता है। लर्निंग लाइसेंस के साथ आप सड़क या पार्क जैसी सार्वजनिक जगह पर वाहन नहीं चला सकते हैं। अगर ऐसा पाया जाता है तो चालान काटना तय है। बता दें कि 16 साल या ज्यादा उम्र का कोई भी बच्चा सड़क व परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन जारी होने वाले लर्निंग लाइसेंस के साथ सड़क पर वाहन नहीं चला सकता है। यह नियम वयस्क आवेदकों पर भी लागू होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में आयोजित मिशन रोजगार कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम योगी ने नवचयनित लेखपालों को उनके कर्तव्यों के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है, कोई सिफारिश की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बिना किसी सिफारिश के प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही एक गरीब की ईज ऑफ लिविंग के लिए आपको अपने स्तर पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता हो। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से बर्खास्त 2,254 तदर्थ शिक्षकों को दोबारा शिक्षा मित्रों की तरह 11 महीने के मानदेय पर रखा जाएगा। पिछले दिनों यूपी कैबिनेट में हुए फैसले के क्रम में इन तदर्थ शिक्षकों के समायोजन के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को विस्तृत निर्देश भेजे हैं। नए सिरे से नियुक्त होने पर इनका नाम भी बदलकर मानदेय शिक्षक हो जाएगा। तदर्थ शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल तक रहेगी। मानदेय शिक्षकों के मानदेय का भुगतान प्रबंधक की ओर से समय समय पर जारी निर्देशानुसार किया जाएगा। मानदेय शिक्षकों को एक साथ यानी कि अधिकतम 11 महीने में 12 दिन का आकस्मिक और 17 दिन का चिकित्सकीय अवकाश मिलेगा। इसके अलावा कोई अवकाश नहीं मिलेगा। निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवधि में काम न करने पर मानदेय का भुगतान नहीं होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ यूनिवर्सिटी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बीटेक, बीफार्मा और एमसीए में सीधा प्रवेश का मौका दे रहा है। इस तरह लेटरल एंट्री के तहत बीटेक और एमसीए सेकेंड ईयर में सीधे एडमिशन्स होंगे। दरअसल यूनिवर्सिटी यूपी तकनीकी प्रवेश काउंसलिंग 2024 से सीटें खाली रह जाने के कारण अपने स्तर पर अब प्रवेश लेगी। यूनिवर्सिटी ने इसके लिए अपनी वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भी अपलोड कर दिया है। रिक्त सीटों पर एडमिशन के लिए आवेदन 25 जुलाई तक होंगे। बता दें कि फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को ₹1,000 रजिस्ट्रेशन फीस और ₹5,000 कॉशन मनी जमा करनी होगी। कॉशन मनी कोर्स पूरा करने के बाद वापस हो जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अनारक्षित पद पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आवेदन करने का अधिकार है। उसकी नियुक्ति इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती कि पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। कोर्ट ने प्रयागराज के ग्राम लॉर्ड खुर्द ब्लॉक शंकरगढ़ 12 में आरती सिंह को सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त होने के 1 महीने 10 दिन काम करने के बाद
5 जनवरी 2022 को जिला पंचायत राज अधिकारी प्रयागराज के द्वारा नियुक्ति निरस्त करने का आदेश रद्द कर दिया है। याचिका पर माननीय न्यायमूर्ति एसडी सिंह व न्यायमूर्ति दोनाडी रमेश की खंडपीठ ने याचिका की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर यह आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण लागू करवाने के लिए सक्रिय हुई है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति तथा विमुक्त जाति की संयुक्त समिति ने राज्य के कार्मिक विभाग से आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए 23 जनवरी 2008 को जारी शासनादेश के अनुपालन के बारे में सभी विभागों से ब्यौरा मांगा है। समिति ने कार्मिक विभाग से यह भी अपेक्षा की है कि जेम पोर्टल पर पंजीकृत आउटसोर्स की सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों को भी आरक्षण के दायरे में लाया जाए। चलते हैं आज की अंतिम खबर की ओर। उत्तर प्रदेश अब निवेश निर्माण व निर्यात बढ़ाने के मकसद से अपने यहाँ 4 बड़े विशेष निवेश जोन बनाने जा रहा है। इसका मकसद यूपी को विश्व स्तरीय निर्माण केंद्र के तौर पर तैयार करना है। इसके लिए अलीगढ़, प्रयागराज, उन्नाव और झांसी का चयन किया गया है। यह चारों यमुना एक्सप्रेसवे, निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नज़दीक है। असल में विशेष निवेश जोन बड़े आकार के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हों, साथ ही आर्थिक गतिविधियों का संचालित करने के लिए बाधा रहित एक सिस्टम कार्यरत हो, या राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेसवे के आसपास बनते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमूमन बड़े क्षेत्रफल वाले निवेश जोन में अपनी परियोजनाएं लगाना पसंद करती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों व जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।